ठीक है, कानपुर की बात की जाए तो हलचल बेहद खास देखने को मिली। चांद सुबह मेयर की तरफ से एक फोटो शेयर किया गया और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी एक प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं। अगर बात की जाए इस पोलिंग बूथ की तो लगभग 98% मतदान यहाँ पे हो चुका है और जो लोग बचे हुए थे वो इस बाउंड्री के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात खास ये है कि गोविंद नगर विधानसभा में ये क्षेत्र आता है और यहाँ कांटे की टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की बताई जा रही है। कि कांग्रेस की तरफ से करिश्मा ठाकुर को टिकट दिया गया था, वहीं सुरेंद्र मैथानी भी इस बार मैदान में है। उनका कहना है कि वो विकास के नाम पे वोट मांग रहे थे और उन्होंने काम भी किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नए वोटर्स थे उनके अपने अलग मुद्दे थे। कानपुर शहर की बात की जाए, औद्योगिक नगरी है, हमारी टीम ने सतीश माना जी से बात की, उनका भी कहना था कि औद्योगिक विकास को लेकर के सरकार ने जो काम किए उसको कहीं ना कहीं कानपुर वासियों ने सराहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे लोगों को देखने को मिले, लेकिन सबका साफ कहना था कि प्रत्याशी की छवि, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी क्षमता और उसके काम करने की शैली को मद्देनजर रखते हुए इस बार वो बिल्कुल